संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत रिलीज होने के बाद खिलजी के अलावा फिल्म में एक और ऐसा खलनायक जिस पर से किसी की नजर नहीं हटी, और वो है गुजरात का वो लड़का जिसने खिलजी से मोहब्बत की थी। उसका नाम था मलिक मानिक, लेकिन खिलजी ने उसे नाम दिया मलिक काफूर। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का वो गुलाम जो था उसका खासम खास, जो रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की बेगम को समझता था सौतन, करता था इश्क खिलजी से। कौन है ये मलिक काफूर? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मलिक काफूर के बारे में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के अलावा उसके खास साथी मलिक काफूर को काफी पसंद किया गया। एक किन्नर को अपने गुलाम के तौर पर रख लेना और उस पर भरोसा करके उसे अपनी सेना का सेनापति बना देना काफी चौंका देने वाला था। पर कहां से आया था मलिक काफूर, कैसे मिला वो अलाउद्दीन खिलजी से, ये भी जानिए। दरअसल 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर हमला किया। इतिहासकार बर्नी के अनुसार इस अभियान में गुजरात में पाटन के राजा कर्ण सिंह राज्य छोड़कर भाग गए। कर्ण सिंह की रानी कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया गया। खिलजी ने कमला देवी से शादी कर उन्हें हरम में भेज दिया। ये किसी मुसलमान बादशाह से हिंदू रानी या राजकुमारी की पहली शादी भी मानी जाती है। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी की नजर गुजरात के उस जवान लड़के पर पड़ी जिसे देखने के बाद खिलजी भी उसे देखता रह गया। वो लड़का था मलिक मानिक। खिलजी ने अपने साम्राज्य में ऐलान किया कि उस गुलाम लड़के को जो भी लेकर आएगा उसे 1000 दिनार दिए जाएंगे। बस फिर क्या था, मलिक मानिक को खिलजी के सामने पेश किया गया। खिलजी ने मानिक को बंधिया बनवा कर अपने पास रख लिया। इसके बाद के इतिहास में मलिक मानिक को मलिक काफूर के नाम से जाना जाता है। काफूर बहुत कम समय में खिलजी का सबसे खास बन गया था। दोनों के बीच में अंतरंग संबंध होने तक की बात खूब कही जाती है। इन सबसे अलग काफूर बेहद शातिर मिलिट्री जनरल और बेहद क्रूर था। कहा जाता है कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को मलिक काफूर से ज्यादा किसी और ने नहीं तोड़ा फोड़ा। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के जनरल के तौर पर तमिलनाडु तक जीत दर्ज की थी। काफूर इतनी बड़ी जीत दर्ज करने वाला पहला सेनानायक था। काफूर ने ही वारंगल के अभियान में कोहिनूर हीरा लूटा था। जी हाँ, कोहिनूर हीरा लूटने वाला मलिक काफूर ही था। हिंदुस्तान के इतिहास में कोहिनूर का जिक्र यहीं से तो शुरू हुआ था। काफूर ने अमरोहा की लड़ाई में अजेय माने जाने वाले मंगोलों को हरा दिया था। मगर काफूर की महत्वाकांक्षा यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। वो सुल्तान बनने के ख्वाब भी देखने लगा था, लेकिन उसके सुल्तान बनने में सबसे बड़ी अड़चन थी उसका पुरुष न होना। हालांकि इतिहास के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि मलिक काफूर ने खिलजी को धीमा जहर देना शुरू कर दिया था। खिलजी जब ज्यादा बीमार हुआ तो उसने खिलजी को नजरबंद करवा दिया। खिलजी के मरते ही काफूर ने खिलजी के बेटों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें अंधा करवा दिया, सारे सरदारों को मरवा दिया। सन 1303 में अलाउद्दीन ने सिरी का किला बनवाया था। इसे अब सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम के नाम से जाना जाता है। काफूर ने इसमें ही खिलजी के बेटों को कैद करवाया था। उसने हुक्म दिया कि शहजादों की आंखें तरबूज की तरह चीरा लगाकर निकाली जाए। ऐसा हुआ भी। इन सब के बीच खिलजी का एक बेटा मुबारक खिलजी कैसे भी बचकर वहां से निकल भागा, और अपने निकल भागने के 36 दिनों के बाद कुछ सैनिकों के साथ मिलकर सोते समय काफूर की हत्या करवा दी खिलजी के बेटे मुबारक खिलजी ने। हालांकि इतिहास में कई कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी ये कहती है कि खिलजी ने काफूर को काफी पहले ही मरवा दिया था। बहरहाल, संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत रिलीज होने के बाद मलिक काफूर के किरदार ने लोगों के बीच एक जिज्ञासा पैदा कर दी कि आखिर कौन था मलिक काफूर। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि कौन था मलिक काफूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए, ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।